नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज 24 में। आइए सुनते हैं बिहार की 5 बड़ी खबरें। तह जिले से निकले सबसे 8 टॉपर, जुमई का जमाना गया। बिहार बोर्ड ने 26 मई मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें से सबसे अधिक बिहार में रोहतास जिले के 8 टॉपर निकले हैं। इन टॉपरों में आगे जुमई का समतुल्य आवासीय विद्यालय फेल हो गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा 2 अफसरों का तबादला, सरकार ने जारी की अधिसूचना। कोरोना महामारी के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां सामान्य प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी की गई। सरकार की ओर से जारी इस सूचना के मुताबिक मुजफ्फरपुर के सीनियर डिप्टी कलेक्टर मोनिका ठाकुर का तबादला कर दिया गया। बिहार में 17 आईएएस का प्रमोशन, सरकार ने जारी की अधिसूचना। कोरोना महामारी के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई। सरकार के इस आदेश के मुताबिक 17 आईएएस का प्रमोशन कर दिया गया है। इन सभी अधिकारियों को विशेष सचिव के पद पर प्रोन्नति मिली है। रेलवे के श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से वापस लाए जा रहे हैं मजदूरों के सब्र का बंध टूटता जा रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को घंटे रास्ते में खड़ा रखा जा रहा है। ट्रेन में सवार यात्री खाने पीने देने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, लेकिन कुछ उन्हें नहीं मिल पा रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले बिहार शरीफ जा रही है ऐसी ही एक ट्रेन के यात्रियों के सब्र का बांध सोमवार को टूट गया। नजारा यात्रियों ने स्टेशन पर उतर कर खाने पीने के सामान को लूट लिया। जदयू विधायक पप्पू पांडे के करीबी का मर्डर, मुन्ना तिवारी के अपराधियों ने मारी ताबड़तोड़ गोली। इस वक्त एक बड़ी खबर गोपालगंज जिले से सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने जदयू विधायक पप्पू पांडे के करीबी की गोली मार दी। दिन दहाड़े इस मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की छानबीन की जा रही है।